हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 3। नाउ इन दिस पीरियड वी नो अबाउट द फूड चैन। आज हम इस पीरियड में फूड चैन के बारे में जानेंगे कि फूड चैन क्या होती है। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड। सभी लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। दिस डिपेंडेंस इज शोन बाय अ फूड चैन। ये जो डिपेंडेंस होती है ये एक फूड चैन को शो करती है। अ फूड चैन इज़ एन अरेंजमेंट विच शोज हाउ ईच अदर लिविंग थिंग्स गेट इट्स फूड। एक फूड चैन एक तरह का अरेंजमेंट होता है जो कि शो करता है कि खाने के लिए लोग कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इट ऑल्सो शोज़ द ऑर्डर इन विच दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। यह उस ऑर्डर को शो करता है कि जो कि लोग एक दूसरे के ऊपर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। फूड चैन बिगिंस विद प्लांट्स विच मेक देयर ओन फूड। फूड चैन कहाँ से शुरू होती है, प्लांट से शुरू होती है, और प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। दीज प्लांट्स आर देन ईटन बाई हर्बीवोर्स और प्लांट ईटिंग एनिमल। ये प्लांट्स क्या होते हैं, ये हर्बीवोर्स के द्वारा या प्लांट ईटिंग एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो कि केवल प्लांट्स को खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हर्बीवोर्स और प्लांट ईटिंग एनिमल। ठीक है, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल कहते हैं, जो कि हमारे केवल पौधों को खाते हैं। द हर्बीवोर्स आर देन ईटन बाई कॉर्निवोर्स और ओमनीवोर्स। और जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो या तो कॉर्निवोर्स के द्वारा खाए जाते हैं या फिर ओमनीवोर्स के द्वारा खाए जाते हैं। कॉर्निवोर्स क्या होते हैं, कॉर्निवोर्स वे एनिमल होते हैं जो कि किसी का मीट, किसी दूसरे जानवर का मीट वगैरह खाते हैं। और ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जो कि दोनों चीज़ें खा लेते हैं, मीट भी खा लेते हैं और प्लांट्स भी खा लेते हैं। सो ऑल फूड चेन्स स्टार्ट विथ प्लांट्स। सभी फूड चेन क्या होती हैं, प्लांट्स से स्टार्ट होती हैं, शोइंग दैट ऑल एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। सो हमारी जो फूड चेन होती है स्टार्ट होती है हमारी प्लांट्स से, और शोइंग दैट सभी एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके, देखिए देयर आर पिक्चर जहाँ पे आपको ये घास दिख रही है। ग्रास इज ईटन बाय रैबिट। ग्रास किसके द्वारा खाई गई, रैबिट के द्वारा खाई गई। ठीक है, अब रैबिट इज ईटन बाय लेपर्ड, और रैबिट को किसने खा लिया, लेपर्ड ने खा लिया। तो दिस इज़ अ फूड चैन। ओके, ये एक हमारी फूड चैन है। द फूड चैन शोन अबव स्टार्ट विद ग्रास। देखिए इस फूड चैन कहाँ से स्टार्ट हुई, ग्रास से स्टार्ट हुई। द ग्रास इज ईटन बाय अ रैबिट, और ग्रास ईटन रैबिट के द्वारा खाया गया। और रैबिट क्या था, दैट इज़ अ हर्बीवोर। एंड द रैबिट इज ईटन बाय लेपर्ड, और रैबिट लेपर्ड के द्वारा खाया गया। और लेपर्ड क्या है, दैट इज़ अ कॉर्निवोर एनिमल। ओके, ईटिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल। अब एंड इन डिफरेंट एनिमल्स के ईटिंग हैबिट्स क्या होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। द शेप ऑफ द माउथ द एंड द ईट टीथ ऑफ एनिमल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। जो शेप होता है माउथ का और उनके जानवरों के जो दांत होते हैं वे उनके खाने पे डिपेंड होते हैं कि वे कैसा खाना खाते हैं। This is the reason why the mouth and the teeth of herbivores is different those of carnivores and omnivores. ठीक है, यही रीज़न होता है उनके माउथ और टीथ का, शाकाहारी जानवरों के टीथ का, जो कि carnivores और omnivores से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके, नाउ आई एम फिनिश इट। इसको मैं अभी यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। ओके, थैंक यू।